दिल्ली के सीएम केजरीवाल इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन चुनावी मौसम के बीच स्वाति मालीवाल का मामला यहां भी उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। केजरीवाल लखनऊ में अखिलेश के साथ एकजुटता दिखाने पहुंचे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोपी और केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव विभव कुमार को लेकर केजरीवाल सवालों में घिरते नजर आए। पहले तो हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली। इसी के साथ मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोपी विभव कुमार को नोटिस भेजा है और शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पेश होने के लिए कहा है। लेकिन मामले को लेकर सियासत जारी है, जिसमें केजरीवाल घिर गए हैं। केजरीवाल लखनऊ में हैं, पर अब एक तस्वीर को लेकर वो बुरे फंस गए हैं, क्योंकि आरोपी विभव कुमार केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखा गया, ऐसा दावा किया है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने, जिसकी फोटो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो सियासी बवाल मच गया और दिल्ली से लखनऊ पहुंचे केजरीवाल यहां भी बच नहीं पाए। पहले तो केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही फंस गए, वहां सवालों में घिर गए, फिर आप सांसद संजय सिंह मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, आरोपी विभव एबीपी नेटवर्क के कैमरे में भी कैद हुए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब विभव सपा दफ्तर के बाहर गाड़ी में ही बैठे हुए थे। मीडिया ने विभव से पूरे विवाद पर बात करने की कोशिश की, लेकिन विभव ने कुछ भी नहीं कहा। मतलब अब तक इस मामले में केजरीवाल घिरे ही थे कि अब केजरीवाल ने विभव को साथ लखनऊ ले जाकर एक और बड़ी गलती कर विरोधियों को मौका दे दिया है।